नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं जनता शो। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी ही धड़ल्ले से वायरल हो रही है। ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक एम्बुलेंस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी टीम ने जब इसे पता करा तो पता चला कि ये एम्बुलेंस मैंगलोर से बैंगलोर की तरफ जा रही थी। इस एम्बुलेंस में 40 दिन का नवजात बच्चा था जिसे वेंटिलेटर पे रखा गया था, और जानकारी इकट्ठा करते हुए पता चला कि ये बच्चा एक हार्ट सर्जरी के लिए मैंगलोर से बैंगलोर ले जाया जा रहा था। इस ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, और जानकारी पता करते हुए हमारे टीम को पता चला कि मैंगलोर में डॉक्टरों ने इस बच्चे की जान को खतरा होने की बात कही और जवाब दे दिया। तब एक ड्राइवर जिसका नाम था हनीफ, उसने डॉक्टरों को बताया कि वह अगर ट्रैफिक ज़ीरो कर दी जाए तो इसे 4 घंटे के अंदर मैंगलोर से बैंगलोर शिफ्ट करा सकता है। तो जानते हैं कि आखिर 4 घंटे में इस नन्हे नवजात को बैंगलोर ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो बात कुछ ऐसी थी कि इस बच्चे को एक हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी, और उसी वक्त डॉक्टर जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पता चला कि एक लाइव हार्ट मौजूद है जिसे तुरंत ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और अगर हम साइंस की माने तो साइंस ये कहता है कि किसी भी हार्ट को 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है, वरना वह किसी भी उपयोग का नहीं रहता। तो जब हनीफ बैंगलोर पहुंचा तो लोगों ने उसकी बहुत शाबाशी दी और आगे भी ऐसा ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जनता शो। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जनता शो।